गंगा दशहरे का मतलब जानते हो आप लोग? केवल गंगा जी का नाम ले लेने से, एक लोटा जल शंकर भगवान को आज समर्पित कर देने से, या गंगा जल का एक जरा सा छींटा शरीर पर पड़ जाने से 10 पापों से मुक्ति मिल जाती है। दशहरा का मतलब है 10 पाप से मुक्त। पहला पाप है किसी के घर का बिना पूछे कोई सामान उठाकर हमने भोग कर लिया हो तो उस पाप से, गंगा दशहरे के 10 पाप से मुक्ति दिलाता है गंगा दशहरा। दूसरा, किसी ब्राह्मण किसी गुरुजन को मुख से अपशब्द कह दिया हो तो आज ही का दिन है जिस दिन पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा, किसी स्त्री को किसी नारी को किसी कन्या के प्रति, स्त्री के प्रति, नारी के प्रति अगर गलत सोच लिया हो या गलत कर्म हमने कर दिया हो तो उस पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। चौथा, रजो धर्म धारण करने वाली नारी, रजस्वला स्त्री के हाथ का बना हुआ अगर हमने भोजन ग्रहण कर लिया है तो आज गंगा दशहरे का दिन ही ऐसा रहता है जिस दिन उस पाप से हमें मुक्ति मिलती है। पांचवा, किसी के यहाँ सूतक जानते हो या सावट, सूतक का मतलब होता है किसी के यहाँ कोई मर गया और उसके यहाँ का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सावट का मतलब होता है किसी के यहाँ बच्चा हुआ तुम्हें मालूम नहीं था, उसके घर का 8 दिन का 10 दिन का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सूतक या सावट का भोजन या अन्न पानी ग्रहण कर ले तो पांचवे नंबर का गंगा दशहरे का वर्णन करता है कि पांचवा पाप, इस पाप से भी लोगों को मुक्ति मिल जाती है। छठे नंबर का वर्णन आया, किसी मंदिर की जगह पर या धर्म की जगह पर अपने अपना कब्जा कर लिया हो या धर्म की जगह को अपना बना लिया हो तो उस पाप से मुक्त होने का एक साधन छठे नंबर का। सातवें नंबर का, झाड़ू लगाते समय, पुआरी लगाते समय छोटे छोटे जीव झाड़ू के नीचे मर जाते हैं तो उसके पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला जाता है। आठवें नंबर का, जिस समय हम भोजन ग्रहण कर रहे हो और हमारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आकर बैठा हुआ है और हमने उसको भोजन का नहीं पूछा या उसका मुख छूटा ना कराया तो उस दोष से वंचित हो जाए, उस दोष को समाप्त कर दे तो गंगा दशहरे का। नवे नंबर का, बेटी की शादी करी और बेटी की शादी करने पर बहुत सारा कन्यादान आया, उस कन्यादान में साड़ियां ज्यादा आ गई, सामान ज्यादा आ गया, मिक्सर 2 सेट आ गए, डिनर के 2 सेट आ गए और मायके वालों ने 1 सेट अपने घर में रख लिया और उस मिक्सर में खूब सामान पीस पीस के खाया, खूब निपटाया। बेटी के कन्यादान का सामान घर में रखकर उसका भोग करने पर जो पाप लगता है नवे नंबर का लगता है गंगा दशहरे का दिन उस पाप को धो दो। दसवें नंबर का महाराज, यदि किसी तीर्थ में जाता था हमने कोई गलत काम करा होता है तो गंगा दशहरे का ये आज का दिन हमारे पाप को धो दो। गंगा दशहरे के 10 पाप को धोने के लिए मात्र एक दिन है गंगा दशहरे का। आज के दिन जो शिवजी को जल चढ़ाता है, शंकर भगवान कहते हैं भले उसने उसमें गंगा जल डाला नहीं डाला पर मेरे ऊपर जब जल चढ़ाता है शिवजी कह देते हैं आज के चढ़े हुए जल को मैं गंगा जल बना देता हूँ। आज गंगा दशहरे का खूब भजन करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो। एक छोटा सा प्रैक्टिकल आप करके देखेंगे तो बाबा कुबेर भंडारी वैसे ही भंडार भर देगा। थोड़ा सा प्रयास अगर आपके सबके घर में गंगा जल है तो एक प्रयास करके देखिएगा। कोई कार्य के लिए आप जा रहे हैं और वो कार्य अटक रहा है, नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया, बहुत दिन से लगे हुए कि ये काम होना ही चाहिए, ये काम बहुत जरूरी और होना ही चाहिए, नहीं हो रहा, एक कटोरी में गंगा का जल निकाल लीजिए और कटोरी में गंगा का जल निकाल कर तुम्हारे घर में एक सिक्का पड़ा हो, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया कोई सा भी एक सिक्का पड़ा हो, जो भी सिक्का पड़ा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जहां परिंडा होता है, पानी का मटका होता है, पितरों का स्थान होता है, हंडा भरते हो, मटका भरते हो, उसके पास में उस कटोरी को रखकर 1 का सिक्का 2 का सिक्का 5 का सिक्का 10 का सिक्का जो तुम्हारे पास सिक्का पड़ा हो, जो भी तुम्हारे पास पड़ा हो, वो सिक्के को हथेली में लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस कटोरी में डाल दीजिए और उस जल को नैनों से लगाकर आप काम के लिए निकल जाइए, वो काम आपका सफल होकर ही रहेगा, छूट नहीं सकता। गंगा के जल में वो बल होता है
और आप जो सिक्का डाल रहे हो वो ये समझ कर डाले कि कुंदकेश्वर महादेव को मैं गंगा में स्नान करने के लिए, हमारे यहाँ पहले हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, किसी किसी जब बारिश नहीं होती है या कोई काम अटक जाता है जब बारिश, तो क्या करते थे पहले के जमाने में, मंदिर को पैक कर दे उसमें पानी भर दे शंकर जी के ऊपर, आपने कई जगह देखा होगा, उसमें शिव जी को डुबा, तो किसके लिए डुबाते थे, कुंदकेश्वर महादेव के, ये नियम है कुंदकेश्वर महादेव का। और आज के जमाने में तो चंपेश्वर महादेव तुमको डुबा दे, गुप्तेश्वर महादेव तुमको डुबा दे, ये उनके लिए नहीं, कुंदकेश्वर महादेव, किनका नाम है जम के बोलिए, कुंदकेश्वर महादेव, ये कुंदकेश्वर महादेव उस कटोरी में उस बाटकी में सिक्के पड़ा। और फिर जब आपका काम हो जाए, आप जिससे मिलने गए हो, जिससे काम की बात करने गए हो, काम हो गया, तो वो जल ले जाकर सिक्के के साथ, सिक्का तो डालो मंदिर में कहीं दान पेटी आदि में, और वो जल भगवान कुंदकेश्वर के नाम से शिव जी को समर्पित कर दो। बाबा से विनती करो, बहुत बहुत साधुवाद है बाबा, आपने मेरी लाज रख ली, मेरी कृपा बनी रहे, बस ये सुख मिले। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और जानकारी के लिए।